हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष या नपुंसकता क्या है, क्यों होती है और आज मैं इसका बेहतरीन फार्मूला बताऊंगा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन संबंधित, नपुंसकता से संबंधित समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या? एक मेल फीमेल से, पुरुष स्त्री से जब संबंध के लिए जाता है, संबंध के समय लिंग में पर्याप्त तनाव का न आना, कम आना या संबंध के समय धीरे धीरे लिंग में तनाव पहले तो आता है, धीरे धीरे घट जाता है, हम नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला, मेडिकल इशू, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट, इसमें से कोई भी समस्या हो तो सेक्स परफॉर्मेंस 80-90% घट ही जाएगी। दूसरा, मास्टरबेशन, 10-12 बरस के बाद ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे मास्टरबेशन या हैंडपैक्टिक्स जिसको को कहते हैं हम कर लेते हैं हस्तमैथुन, तो बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक कमजोरी आ जाती है। हार्मोनल गड़बड़ी, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो लिंग का विकास, तनाव, डिस्चार्जिंग, शुक्राणु, पौरुष शक्ति, पुरुषत्व का निर्धारण करता है। यह हार्मोन यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो लिंग में पर्याप्त तनाव फर्स्ट क्लास का आएगा, कम बनेगा तो कम और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम नहीं आता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, एल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं सेक्स परफॉर्मेंस में कमी ला देती हैं। उम्र की अधिकता हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। जो भी हो, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है जो एक अच्छे मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगा, जिसको ला करके बनाया जा सकता है। तो पहली चीज़ आपको लानी है काम चूड़ामणि रस 10 ग्राम आपको लानी है। दूसरी चीज़ है सिद्ध मकर ध्वज बटी या भस्म कहते हैं, वह भी लगभग 10 ग्राम आपको लानी है। तीसरी चीज़ है कामेश्वर बटी यह भी आपको लगभग 10 ग्राम लानी है। शुद्ध शिलाजीत 10 ग्राम लेकर के आ जाइए। लौह भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। स्वर्ण भस्म कम से कम 500 mg, मैं तो कहूँगा कम से कम 1 ग्राम आप डाल दीजिए, बेहतरीन नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो ये सब जितनी भी दवाएं हैं एक खरल में अच्छी तरीके से 15-20 मिनट तक खरल कर लीजिए। जब ये बारीक पाउडर हो जाता है तो पान का रस, पान जो हम खाते हैं, पान लाएं उसको हम अपने रस निकाल लें और इतना रस डालें उसमें कि वह गीला हो जाए, फिर धीरे से उसको खरल करें। खरल करने के बाद 1-2 दिन तक रख दीजिए। जब वो सूख जाता है तो उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। बारीक पाउडर बनाने के बाद 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए, या मैं कहूँगा एक चने के बराबर छोटी छोटी गोलियाँ बना लें, या 250-250 mg के कैप्सूल खाली मिलते हैं मार्केट में, उसको ला करके भर करके रख लीजिए। यह बेहतरीन दवा आपकी तैयार हो गई है। सुबह शाम 1 ग्लास मिश्री युक्त दूध से ले लिया करें, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। यह तो ऐसा फार्मूला है, हम मैं समझता हूँ 10-12 बरस 15 बरस तक आप दूसरी कोई अन्य दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन फार्मूला है। इरेक्शन फर्स्ट क्लास का आएगा, डिस्चार्जिंग फर्स्ट क्लास की हो जाएगी और सेक्स से संबंधित जितने भी दोष हैं वो 110% दूर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बचाना चाहिए, जंक फूड, फास्ट फूड, आम का अचार, इमली, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों से बचिए, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। योग, प्राणायाम या कम से कम 1 घंटा जरूर करें, कपालभाति, अनुलोम, 15-20 मिनट, पर्याप्त नींद लें, पेट को साफ रखें, 8-10 बादाम रात को भिगो करके सुबह चबा कर ले सकते हैं, अखरोट 2-3 पीस लिया जा सकता है, तिल भून करके चाहें तो आप रख लीजिए, 1 चम्मच ले लिए करिए, अलसी भून करके रख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, करिए, देखिए 110% रिस्पांस मिलना ही मिलना है। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से सफलता नहीं मिलती है या दवा बनाने में आप कुछ असुविधा होती है, या रायपुर के आसपास रहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है उनसे मिल सकते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, नमस्कार।